जो कि हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है है या नहीं अगर टीथ ना हो तो शायद हमारे जो मुंह की फेस की जो सुंदरता है एक ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाती है आपने देखा ना जिनके दांत नहीं होते उनका मुंह कैसा पिचका होता है इसीलिए क्योंकि टीथ हमारे जो फेशियल आ, जो हमारा फेस है ना उसको आ, जो मुंह है उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करके रखते हैं यानी उसको आ, सही, सही सही करके रखते हैं सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी फूड इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ जो फूड होता है उसको हम माउथ के अंदर लेते हैं ठीक है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन यानी बॉडी के अंदर जब हम फूड को लेते हैं उस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं क्या कहते हैं इंजेशन द फूड गेट्स ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉल पीसेज विदेल्प ऑफ टीथ और आपने देखा है यही फूड जो है वो हमारे टीथ के हेल्प से स्मॉल पीसीज में डाउन हो जाता है यानी टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है इट हेल्प्स इन ईजी इंजेसन एज वेल एज इन डाइजेशन ऑफ फूड और ये ना केवल उस इंजेसन में मदद करता है बल्कि फूड के डाइजेशन में भी हमारी हेल्प करता है तो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे टीथ लेकिन ये जो टीथ होते हैं ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं और इनके काम भी अलग अलग होते हैं अब आप कहेंगे टीथ तो टीथ ही है वो अलग अलग कैसे हो सकते हैं तो देखिए आज मैं आपको बताता हूं कि उनके डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं और डिफरेंट उनका काम भी होता है लेट्स टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शंस यानी दांतों के प्रकार और उनके कार्य आर टीथ वेरी इन अपियरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस यानी हमारे जो दांत हैं वो दिखावट में दिखाने में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं दिखने में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग काम करते हैं कौन कौन से होते हैं लेट्स सी सबसे पहले होते हैं इंसीज़र्स इंसीजर क्या काम करते हैं देखिए सबसे जो आगे के दो दांत होते हैं ना ये इनको हम कहते हैं इंसीज़र ये क्या करते हैं कटिंग एंड बाइटिंग टीथ होते हैं ये हमारे फूड को कट और बाइट करते हैं यानी ये बाइट करने वाले और कट करने वाले टीथ होते हैं उसके बाद होते हैं कैनाइन नाम याद कर लेना पहले इंसीजर्स फिर केनाइन केनाइन का क्या क्या है पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ ये होते हैं देखो कैनाइन में आपको यहाँ पर दिखा दूँ उसके बाद जो नेक्स्ट टू होते हैं लेफ्ट साइड वाले एंड राइट साइड वाले बोथ ओके okay, ये है कैनाइन टीथ और ये कटिंग ये सॉरी पियरसिंग एंड टीयरिंग करते हैं यानी फाड़ने और छीलने का काम करते हैं फिर इसके बाद होते हैं प्री मोलर प्रीमोलर क्या करते हैं प्री मोलर क्या करते हैं चुईंग एंड ग्राइंडिंग टीथ यानी ये हमारे फूड को च्यू करते हैं चबाते हैं और ग्राइंड यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल सॉफ्ट बना देते हैं बिल्कुल जैसे मिक्सी में ग्राइंड हो जाता है ना आपको पता नहीं चलता बिल्कुल चूरा चूरा हो जाता है तो ये प्री मोलर यही काम करते हैं और देखिए यहाँ पर कैनाइन के बाद बोथ लेफ्ट साइड में भी और राइट right साइड में भी जो नेक्स्ट टीथ होते हैं उनको हम प्री मोलर कहते हैं और ये च्यू करने का काम करते हैं और ग्राइंड करने का काम करते हैं फूड को और उसके बाद लास्ट में मोलर टीथ होते हैं सेम एज़ प्री मोलर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द टीथ ग्राइंडिंग टीथ यानी जैसे प्री मोलर हमारे फूड को च्यू करते हैं और ग्राइंड करते हैं इनका काम भी यही होता है यह ये उसको उसमें हेल्प करते हैं च्यू करने में फ़ूड को और ग्राइंड करने में और इस तरह से जो हमारा फूड है वो बिल्कुल स्मॉल पीसीज में ब्रोक डाउन हो जाता है और आराम से हम उसको इनटेक करते हैं इंजेशन उसका करते हैं और फिर डाइजेशन करते हैं अब आपको समझ में आ गया आज मिरर में जब आप खड़े हों तो अपने इन टीथ को रिकग्नाइज़ करने की कोशिश करना कि कौन से इंसीज़र हैं कौन से कैनइन हैं कौन से प्री मोलर हैं और कौन से मोलर टीथ हैं नेक्स्ट इज़ इंटरेस्टिंग फैक्ट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखना क्या है वो आर माउथ हैज़ दिलेवरी गाउंड सेलेवरी ग्लैंड विच सीक्रीट सलाइवा देखो हमारे मुंह के अंदर एक सेलेवरी ग्लैंड होते हैं जिसके अंदर से सलाइवा निकलता है सलाइवा क्या चीज़ होती है इसको आप राल कहते हैं ना राल गिरती रहती है तो वो सलाइवा कहते हैं उसको इंग्लिश में और वो हमारे एक अंदर ग्लैंड होता है सलेवरी ग्लैंड वहां से वो सीक्रीट होता रहता है सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इंटू शुगर हमारे फूड के अंदर जो स्टार्च होता है उसको ब्रेक डाउन करके वो शुगर में चेंज कर देता है वी कैन एक्सपीरियंस इट इफ वी च्यू अ पीस ऑफ ब्रेड फॉर सम टाइम वेन सलाइवा गेट्स मेक्स प्रॉपरली इट टेट्स स्वीटर आप इसको भी एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं अगर आप एक रोटी का टुकड़ा चबाएंगे ना कुछ देर के लिए जब सलाइवा उसके अंदर मिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से तो आपका उसका जो टेस्ट है ना वो मीठा मीठा लगने लग जाएगा लेट्स डू इट एट योर आर होम और आप इसको अपने घर पर भी कर सकते हैं आज करके देखना एक रोटी का बाइट लेना और उसको च्यू करना चबाना कुछ देर तक चबाना जब आपका सलाइवा उसके अंदर मिक्स हो जाएगा तो आपको उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा मीठा लगने लग जाएगा तो आज हमने इस वर्कशीट में टीथ के ऊपर बात की जब टीथ की बात की तो उनकी केयर करना भी हमारी ड्यूटी है अगर ड्यूटी नहीं करेंगे ना अगर ये वाली ड्यूटी नहीं करते उनकी केयर नहीं करते बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे उनमें कीड़ा लग जाएगा और आपको डेंटिस्ट के पास डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा तो डेंटल केयर करना यानी दांतों की देखभाल करना इज़ अ गुड हैबिट एक अच्छी आदत है कैसे कर सकते हैं वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दांतुन एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रेंस द माउथ आफ्टर एवरी मील आपको दो आदतें करनी है सिर्फ एक तो पूरे दिन में आपको टू टाइम्स ब्रश करना है या दानतुन करनी है जैसे भी आप करते हैं यानी मॉर्निंग टाइम में और रात को आ, सोने से पहले और जब भी आप कुछ खाएं चाहे टॉफ़ी खाएं बिस्किट खाएं कुछ भी खाएं उसके बाद एक बार कुल्ला जरूर कर लें ताकि जो चीज़ फूड आइटम बीच में दांतों में फंस जाता है जो कैविटी बन जाती है वो निकल जाता है तभी की तभी है ना बहुत बढ़िया आदत इसमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा सो नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन क्वेश्चन नंबर वन इज वाई शुड वी च्यू फूड प्रॉपरली वाइल ईटिंग यानी भोजन खाते समय हमें, हमें भोजन को चबाना क्यों चाहिए देखिए वी यहां पे डब्ल्यू बड़ा आएगा वी च्यू फूड properly while eating because the food gets broken down into small pieces with the help of teeth देखिए हमें उसको चबाना इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे daanton की सहायता से जो हमारा food होता है वो बहुत small pieces में टूट जाता है it helps in easy ingestion as well as in digestion of food ये हमारे उस फूड को इनटेक करने में भी मदद करता है इंजेक्शन करने में मदद करता है और फूड को digestion करने में भी हेल्प करता है तो टेलीग्राम ऐप पे जो हमने चैनल बनाया है लवनीश सर की क्लास उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और आपको सारे लिंक्स एक साथ मिल जाएंगे आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी नाउ क्वेश्चन नंबर टू हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आर टीथ हम अपने दांतों की देखभाल कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पर भी डब्ल्यू बड़ा आएगा वी शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दांतुन एटलीस्ट वाइस a day। यानी yani हमें दिन में दो बार कम से कम अपने दांतों को साफ करना चाहिए And rinse the mouth after every meal और हर बार खाने के बाद जरूर करना है इस तरह से हम we take care of our teeth। Now question number थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री इज़ राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ़ द फॉलोइंग आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं उनके आपको फंक्शन लिखने हैं कुछ हमारे ग्लैंड हैं कुछ हमारे पार्ट्स हैं बॉडी पार्ट्स हैं उनके फंक्शन आपको लिखने हैं जैसे सिलेवरिक ग्लैंड सेलेवरिक ग्लैंड क्या करता है आर माउथ हैज़ द सेलेवरिक ग्लैंड विच सीक्रीट सिलाइवा यानी इसका काम क्या होता है सिलइवा को सीक्रीट करना यानी उसमें बार बार उसको बनाना फिर मोलर टीथ क्या होते हैं मोलर टीथ क्या होते हैं दे डू द वर्क ऑफ चुइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड ये हमारे फूड को चबाने और पीसने में सहायता करते हैं और कैनाइन टीथ क्या काम करते हैं दे डू द वर्क ऑफ पायरे पियर्सिंग एंड टियरिंग यानी छीलने और फाड़ने का काम करते हैं और सलाइवा क्या करता है द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इन टू शुगर्स हमारे फूड में जो स्टार्च होता है ना सलाइवा उसको शुगर में चेंज कर देता है सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए लाइक का बटन दबा दीजिए शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए बट रिमेंबर वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर करवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी